यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये है रिट पेटिशन 2455। इसके अंदर सर्कुलेशन डाला गया था, इसको विड्रॉल करने का, ये केस को विड्रॉल करने का सर्कुलेशन डाला गया था, जिसकी डेट आज थी 12 मार्च की। इसका ऑर्डर अभी तक के हमको मिला नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही ऑर्डर मिलता है तो आपको इसके ऊपर पूरी अपडेट दी जाएगी हमारी तरफ से कि ये विड्रॉल क्यों किया और किस लिए किया गया। दूसरा केस नंबर 2008 निज़ामपुरा वाला जो मामला था, जिसकी डेट कल थी, जो 18 नंबर पे केस था, जो कि हम लोग वहाँ पे 5 बजे तक के मौजूद थे, वो बोर्ड पे नहीं आया, तो उसकी भी डेट मिल चुकी है। उसकी डेट है 26/3/2020। देखेंगे आप अपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले पे, उसकी डेट मिल चुकी है। वीपीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं नुमान कुरैशी। देखिए इस वक्त खड़े हैं हम बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर, और यहाँ पर आज मामला था 2008 केस नंबर बेल एप्लीकेशन के ऊपर मामला था, और हमारे साथ में बहुत सारे लोग खड़े हैं। और देखिए इतने दिन से जो अपडेट हमारी तरफ से नहीं आ रही थी, तो एक शख्स को एक्सपोज करने का था और अलहमदुल्ला वो हो भी गया। मैं आपको बताता हूँ आज की जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो अपडेट दिया है, जिसके अंदर उसने कोर्ट नंबर जो बताया है वो 26 बताया, वो भी रॉन्ग है। कोर्ट नंबर जो है वो 17 है, 17 है, 17 है, 17 सी है, और जो सीरियल नंबर है उसने 1 बताया है, और जो सीरियल नंबर भी उसने गलत बताया, सीरियल नंबर जो है वो है 18 है। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अभी ये चीज़ आप टैली कर सकते हैं, हमारा वीडियो और उसका वीडियो जो है 9 मार्च का, ये चीज़ आप टैली कर लीजिए कि हमारी अपडेट गलत है या उसकी अपडेट गलत है। सुप्रीम कोर्ट की अपडेट मैंने नहीं दिया था आपको, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिलहाल एक डेट मिल गई है। वहाँ पर सिर्फ जो 8 रिस्पोंडेंट है उसमें से एक ही रिस्पोंडेंट जो है महाराष्ट्र ऑफ केरला, उसने टिल डेट 2 जन ने वकालतनामा डाले हैं, वो अभी चेक करके बताएंगे। मेरे हिसाब से 1 जन ने डाला था स्टेट ऑफ केरला ने, अभी दूसरे ने भी डाल चुका है, वो ऑनलाइन चेक किया जा रहा है। और देखिए ये जो यूट्यूबर है, ये पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलते रहता है, क्यों ये इस तरीके की साजिशें करते रहता है, क्यों ये बोलते रहता है। हमने जो एक सवाल किए थे अजीम भाई से, जिसके अंदर मैंने कहा था कि कुछ औरतें, तो इसने अपना जो एक वीडियो बनाया 28 तारीख को, उसके अंदर ये बोलता है 4 औरतें, और बाकायदा इसने नाम भी ले लिया। अल्लाह गवाह है इस चीज़ का कि मैंने वो औरतें हैं भी नहीं जिन लोगों का नाम लिया है इसने। ठीक है, अगर आपको डाउट है ना, तो मैं वो जो फितना फैलाने वाली औरतें हैं उनके सारे ऑडियो में रिलीज़ कर दूंगा सारे ग्रुप में, तो आप लोग खुद तय कर लेना और ये चीज़ का जजमेंट लगा लेना कि ये लोग औरतें फितना फैलाती हैं कि नहीं। ठीक है, आपस में जो इन्वेस्टर है, हम लोग चाह रहे हैं कि सारे इन्वेस्टर जो हैं वो एकजुट होकर रहें और भाईचारे से रहें, और ये लोग जो है स्टार्टिंग से लेके लड़वाने का काम कर रहे हैं। और ये जो यूट्यूबर है, ये सिर्फ 8-10 लोगों के नाम लेता है और ये लोग को प्रमोट करता है। पता नहीं क्यों ये ज़रूरत पड़ी जा रही है, क्यों ये ज़रूरत पड़ रही है नाम लेने की, कि इन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। अगर तुम सपोर्ट कर रहे हो नोएरा आपा को, जैसे कि मैं day 1 से सपोर्ट कर रहा हूँ ये चीज़ है, लेकिन ये लोग के दिमाग में पता नहीं क्या फतूर रहता है, तो ये लोग है ना अपना ही नाम लेते हैं अपने चैनल पे, गिने चुने लोगों का नाम लिया जाता है। खैर, हमको कोई एतराज़ नहीं, आप किनका भी नाम लो, हमको सिर्फ एतराज़ है कि जो गलत सलत आपको अपडेट दी जा रही है, इसके लिए मैं वापस आया हूँ कि जो गलत सलत अपडेट दी जा रही है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों तक सही अपडेट मिले। अभी जो पूरी अपडेट है, जो ये 10 दिन से नहीं दी गई है, वो अभी चांद भाई देंगे अपडेट। हाँ जी बताइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की अपडेट दे दूँ। सुप्रीम कोर्ट में 6 तारीख को जो है रिस्पोंडेंट नंबर 6 यानी केरला स्टेट के जो एडवोकेट है, निशी राजन सोनकर नाम है उनका, निशी राजन सोनकर, उन्होंने जो है मतलब है ना वकालतनामा दाखिल किए, वकालतनामा मतलब दाखिल किए, लेकिन उन्होंने जो है काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया। लेकिन कोर्ट में रजिस्ट्रार के कोर्ट में जो पिछली तारीख को जो है वहाँ पे जो है रेस्पॉन्डेंट नंबर 1 एंड रेस्पॉन्डेंट नंबर 2 ने जो है काउंटर एफिडेविट डाला, लेकिन उन लोगों ने वकालतनामा नहीं डाला। और उसी तरह जो है रेस्पॉन्डेंट नंबर 4, 3, 4, 5, 7 और 8 इन्होंने जो है वक्त मांगा है,
रजिस्ट्रार के सामने, और रजिस्ट्रार ने उनकी बातों को जो है अपने ऑर्डर में रखा है। तो देखते हैं आने वाली 16 मार्च को जो तारीख तय हो चुकी है उस तारीख में क्या मतलब ये आता है। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि 16 मार्च को उसी जज के पास ये मामला है, संजय किशन कौल जो सुप्रीम कोर्ट के हॉनेबल जज हैं उनके पास ही ये मामला है। लेकिन आपको याद दिला दूँ कि संजय किशन कौल साहब जो जज साहब हैं वो पिछले साल ने दो साल पहले 2018 में 19 नवंबर 2018 को इसी नोएडा शेख की रिट पटिशन पे डायरेक्शन दिए कि आप हाईकोर्ट मूव करो और हाईकोर्ट से एडवाइस लो। तो हाईकोर्ट से एडवाइस नहीं, हाईकोर्ट से नोएडा शेख के एडवोकेट के पास जो है ऑर्डर है हाईकोर्ट का, तो उसी ऑर्डर को जो है उन्होंने मतलब ये बताया है। और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह नोएडा शेख के जो एडवोकेट ने रिट पटिशन दाखिल किए थे वो रिट पटिशन भी मेरे पास आ गई है, वो नौमान के पास भी है, हम सब उनको स्टडी किए हैं, बाकायदा नासिर भाई हैं, हम लोग इस सब चीज़ों को स्टडी करके उसमें ये बातें जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ, 212/2013 कंपनी एक्ट के तहत इन्होंने मांग की है कि ये जो मामला है वो कंपनी एक्ट के तहत जाया जाए, और एक इंटरिम रिलीफ ये लोग ने मांगा है कि ना पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी केसेस चल रहे हैं नीचे की अदालतों में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, सेशन कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, इसके अंदर जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स है जैसे कि ट्रायल हुआ, कस्टडी हुआ, वो सब रोक दी जाए, उस पर स्टे लग जाए। ये शॉर्ट के अंदर आपको बता दिया, अभी बताएंगे। ये 2018 में इसी जज साहब थे और उनके साथ में थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उन्हीं के बेंच में, और उनके साथ थे जस्टिस के एन जोसेफ। तो उन्होंने ऑर्डर दिया था, वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरटेन द रिट पटिशंस, द पटिशनर आर लेफ्ट विथ लिबर्टी ऑफ मूविंग द हाई कोर्ट इफ सो एडवाइस। ये संजय किशन कौल साहब का जो है ऑर्डर है 2018 का, और इसी ऑर्डर को उन्होंने अपना एक ये बनाया है नोएडा शेख के एडवोकेट ने, और साथ ही साथ में जो है तेलंगाना हाई कोर्ट की जज साहिबा श्रीदेवी का ऑर्डर भी जो है साथ में है, और इसी के आधार पे जो उन्होंने जो कुछ मांग किए हैं वो नौमान शेख ने जो बता दिए, नौमान कुरैशी ने, वो आपने सुन लिए। अब जो है आने वाली जो जो केसेस की तारीख है, मैं आपको ये भी बता दूं कि मालेगांव में जो है नोएडा शेख की जो बेल थी और जो 2 हफ्ते का वक्त था, वो 2 हफ्ते का वक्त जो है 25 और 26 फरवरी के दरमियान ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद में वहाँ के जो आयो थे उन्होंने जो है नोएडा शेख का प्रोडक्शन वारंट डाला और प्रोडक्शन वारंट उनको मिल गया। उसके बाद में उनका प्रोडक्शन वारंट में कुछ खामियां नज़र आई, तो इस वजह से वो उसी खामियों पे जो है ये कर रहे हैं। अभी जो है नोएडा शेख का जो है प्रोडक्शन वारंट जो है मालेगांव से आएगा और उसके बाद में जो है नोएडा शेख को जो है मालेगांव में जो है पीसी के लिए जाना पड़ेगा। ये है कोर्ट की मतलब सही अपडेट। और रही जो है ना मुंबई सेशन कोर्ट की अपडेट, जो मुंबई सेशन कोर्ट के पास खड़े होकर देनी चाहिए, गलत अपडेट, और यहाँ पे जो है हाई कोर्ट में ये गेट के पास खड़े होकर अपडेट दी गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई अगर आप लोग के पास अपडेट नहीं है, और वैसे भी आप लोग के पास अपडेट आती नहीं है क्योंकि ये बात मैं साबित कर सकता हूँ कि आप इसकी और उसकी सुन के न्यूज़ देते हो, आप अपने तौर से कोई तहकीकात नहीं करते। जिस तरह नौमान कुरैशी 4-4, 5-5 घंटा जो है कोर्ट के पास खड़े रहकर इस केस की तहकीकात करते हैं, यहाँ पे तहकीक करने के बाद यहाँ के जो कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनके ऑफिस में जाते हैं, उनके ऑफिस से हम पूरी मतलब जो है जानकारी मांगने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ही जो है हम आपको न्यूज़ जो है प्रोवाइड करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका जो काम है ना, इनका मैं आपको बताऊँ, इनका काम कोर्ट की प्रोसीडिंग कुछ भी दो, सिर्फ है ना 8-10 लोगों को प्रमोट करना है, समझे, कि वो 8-10 लोग है ना छाए रहे हुए मीडिया के अंदर, मीडिया नहीं यूट्यूब पे, और जो है इन्हीं के जय जयकार करते रहे हुए बस इन्वेस्टर लोग। देखो भाई ऐसा है कि ना आप जो बोल रहे हो कि ना हम जो है ना अगर न्यूज़ रिपोर्टर का दावा करते हैं तो हमको सिर्फ न्यूज़ बतानी है, हम किसी की तारीफ कर नहीं सकते और ना किसी की बुराई भी कर सकते हैं। हमारा मकसद और मकसद सिर्फ है लोगों तक सच्चाई पहुँचाना, और लोग जो है पब्लिक सब जानती है, एक बॉम्बे की लैंग्वेज में बताऊंगी कि पब्लिक सब जानती है और पब्लिक को मालूम है कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, उनको तक आप लोग सच पहुंचा दो। सच पहुंचाने के बाद आप खुद मुतमईन हो जाओगे और पब्लिक भी मुतमईन हो जाएगी। आप लोग का काम है कि पब्लिक तक सच पहुंचाना है, आप जो है मतलब किसी की तारीफें और किसी की मतलब है ना कसीदे पढ़ना कोई मतलब मकसद नहीं है, आपका मकसद नहीं, आप अपने मकसद से हट रहे हो। आप तो एक दावा करते हो कि हम ना न्यूज़ देने वाले हैं, सच्ची न्यूज़ बताने वाले, तो आप एक जब सच्ची न्यूज़ बताने वाले हैं तो आप सच्ची न्यूज़ क्यों नहीं बताए 9 तारीख के दिन? चांदभाई एक बहुत ही अहम मुद्दा है, मुद्दा जो है दोनों तरफ से गर्म है, मतलब है ना प्रो एंटी दोनों तरफ से गर्म है कि मीडिया ने ना 15 लाख रुपए खाई है। तो आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो, मैं भी मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इस चीज़ को तो अपन साबित नहीं कर सकते कि खाए कि नहीं खाए। तो यूनुस सैयद ने बहुत कुछ लिखा है मेरे बारे में, तो यूनुस सैयद को मैं डायरेक्टली बोलना चाहूँगा कि भाई तू भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, ठीक है, अपन मस्जिद में चलते हैं और हलफ हाथ में लेके मैं 3 बार अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने वल्ला 1 रुपया भी खाया नहीं हूँ हीरा ग्रुप से ना हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों से,
और चांद भाई आप क्या गवाही दो? जी मैं भी ये सुन रहा था कि बीच में सोशल मीडिया में फॉलो न्यूज़ के साथ सोशल मीडिया भी फॉलो कर रहा था, उस वक्त मुझे भी मेरे पास भी खबर आई थी कि मीडिया के नाम से कुछ 12 लाख 15 लाख रुपया जो है ऐसा कुछ खबर मिले, 15 लाख जो कुछ भी है। तो मैं भी अपने ताल्लुक से बता दूं कि लिमरा टाइम्स पे भी ना शुरू से बहुत इल्ज़ाम लगे कि लिमरा टाइम जो है पैसे लेके काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि लिमरा टाइम जो है ना किसी से पैसा लेके काम करता है और ना ही किसी को पैसा देके न्यूज़ लेता है, ये बात आप लोग याद रखें। ये एक सुन्नत तरीका है, मतलब कि बात साबित अपन नहीं कर सकते तो यही है कि मस्जिद में चल के 3 बार अल्लाह की कसम। नहीं नहीं, जिन लोगों को मतलब ना देखो मैं बोलता हूँ किसी पे बोहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है बोहतान लगाना। तो बोहतान लगाने से बेहतर है कि आप लोग भी जो है मुसलमान है और इल्ज़ाम पे जिस पे लगाए वो भी मुसलमान है, इल्ज़ाम लगाने वाला भी मुसलमान है, तो बेहतर तरीका ये है कि आप मस्जिद में आ जाएं और मस्जिद में जो है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो है इमाम साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अपनी बात रखते हैं और कोई बंदा जो है मस्जिद में बैठ के झूठ नहीं बोलेगा, इतना मुझे मालूम है। और ईमान वाला जिसमें ज़रा भी रत्ती भर ईमान होगा तो मस्जिद में बैठ के और इमाम साहब के बाद में अल्लाह के घर में बैठ के झूठ तो नहीं बोलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग वहाँ पे इस बात को जो है खुलासा कर लीजिएगा और है ना किसी पे इस तरह के जो है ना बोहतान लगाने का काम मत कीजिएगा, क्योंकि बोहतान लगाने से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जो है आपकी बात सच्ची लगती है, क्योंकि बहुत से लोग आपको सादिक और अमीन मानते होंगे बाकी आपको, क्योंकि मेरा आपसे कुछ मतलब ना लेन देन हुआ नहीं है, आपसे मेरा कुछ काम मतलब कुछ ये नहीं हुआ, तो मैं आपको बोल भी नहीं सकता कि आप सादिक हो अमीन हो या झूठे हो क्या हो। लेकिन आप लोग के अपने खुद के जो मतलब जो सर्कल होगा तो उसमें बहुत से लोग आपको सादिक और अमीन भी मानते होंगे, तो वो लोग आपकी बात पे तस्दीक करते होंगे ना, आप तो बोहतान लगाने का लगा दिए। तो मैं बेहतर ये है तरीका जैसे नौमान ने कहा कि नौमान ने चैलेंज भी किए हैं कि आ जाओ आप मस्जिद में बैठ जाओ इस मामले को जो है क्लियर कर लो ना, और फिर फैसला जो है अल्लाह करेगा क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ी अदालत है। और दूसरे लोग यूट्यूबर लोग का मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, जो दूसरे लोग सपोर्टर लोग हैं तो उन लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से जितनी भी जांच एजेंसियां हैं जो CCS है, EOW है, तिरुपति की CID है, सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ की जांच करें, हमारी भी जांच करें और जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं उन लोग की भी जांच करें। और मैं पर्सनली भी है ना लेटर लिखूंगा, चांद भाई भी लेटर लिखेंगे उन लोगों को, पुलिस को बाकायदा, पुलिस कमिश्नर को मुंबई के और दूसरी जगहों के दूसरे स्टेटों के, कि भाई उन लोगों के नाम लिखे जाएंगे जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो जो लोग ने वीडियो ऑडियो बनाते हैं, जो जो सपोर्टर अनसपोर्टर सारे लोगों के नाम के साथ में मोबाइल नंबर के साथ में अगर एड्रेस है हमारे पास तो एड्रेस भी डाल देंगे उसमें, वो करके हम लोग पुलिस कमिश्नर को फॉरवर्ड करेंगे ये चीज़, और फिर पुलिस जो है वो ढूंढ के निकालेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते ये 15 लाख रुपये की तोहमत के ऊपर। हमारे साथ में मौजूद है नासिर भाई। नासिर भाई, कुछ लोग जो है अपने आप को प्रमोट करते हैं YouTube चैनलों पे और किसी पर्टिकुलर YouTube के ज़रिए अपने आप को बुलवाते हैं, अपने नाम बुलवाते हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या है? मेरे हिसाब से ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सपोर्टर, आप अकेले दुआएं कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, ऐसा शोशा करना WhatsApp पे, मैं ये नहीं करूँगा आज, मैं ये नहीं मनाऊँगा, तो ये सब को आप किस नज़र से देखते हो? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए नुमान, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा। एक ट्रेंड सा चल रहा है अभी, आप देखते होंगे कि आए दिन बहुत सारे लोग जो हैं डे बाय डे मतलब अल्टरनेट, एक दिन कोई वीडियो बनाएगा, एक दिन कोई वीडियो बनाएगा, कुछ वही 8-10 नाम लोग लेते हैं वीडियो पे और उनका आखिरी डायलॉग रहता है हम लोग जो करते हैं TRP के लिए नहीं करते। तो भाई आप TRP के लिए नहीं करते तो TRP के लिए नाम क्यों सुना रहे हो, पहला सवाल। और जिनके आप नाम सुना रहे हो तो उनमें तो सभी लोग उनको जानते हैं, तो आप नाम ले लेके गिनवाते क्यों हो? और हीरा के लिए कि ये 8-10 लोग ही शख्सियत ही लोग काम कर रहे हैं, अगर आप किसी 8-10 लोगों का नाम लेते तो बाकी जो लोग आते बेचारे उनको भी तो तकलीफ़ होती होगी ना, कि यार हम भी तो आपा के सपोर्टर्स हैं। बात यहाँ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नासिर को तकलीफ़ हो रही है तो भाई नासिर की सिर्फ बात नहीं है, यहाँ सारे लोग हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कुछ बुज़ुर्ग हैं जो अपने आप को उनको चाचा कहलवाने में, बुज़ुर्ग कहलवाने में बड़ी इज्जत वो समझते हैं, लेकिन वो बुज़ुर्गी के लायक ही नहीं है। और एक्चुअली उनको जो है ना उनको खुद सोचना चाहिए कि वो किस टाइप का मिजाज रखते हैं, चुगलखोरी, मतलब हर बात पे इधर उधर इसको ऑडियो भेज, उसको ऑडियो भेज, फितना फैलाना, लड़ाई झगड़ा फैलाना। हम लोगों को मुझ जैसे शख्स को बोला जा रहा है कि मैं शाबाश का चमचा हूँ, जबकि ये खुद जो है खुद चमचागिरी करते हुए ये अलान अलानिया ठोकते हैं, सीना ठोक के चमचागिरी करते हैं, वही 10-12 नाम लिखते हैं
और 10-12 नाम में लिखने के मतलब बोलते हैं अपने मुंह से, और बोलने के बाद में बोलते हैं कि ये लोग हैं डे वन से काम कर रहे हैं, डे टू से काम कर रहे हैं, सबको बताते हैं हर ऑडियो में हर वीडियो में आप सुनेंगे, और बोलते हैं हम लोग टीआरपी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आपको पहली बात तो आपको ऑडियो वीडियो बनाने के लिए बोलता कौन है और सुनता कौन है? आपकी ऑडियो वीडियो में कोई भी नसीहत रहती है? बेसरपैर की बातचीत रहती है और आप ये शिकायत करते हैं कि मुझको ऐसा बोला फलाने, मुझको ऐसा बोला, एक बच्चा ऐसा है, शनान ऐसा है, नासिर ऐसा है। भाई मेरा आपका लेना देना क्या, मेरा आपका लेना देना कि आपको इससे पहले भी मैंने पर्सनल फ़ोन करके चाचा आपको बहुत एहतरामन बोला, इज़्ज़त से बोला आपको, लेकिन आप हर किसी के पीछे पड़ जाते हैं। आपको शौक़ है क्या सबको छेड़ने का? और जब लोग आपसे बदतमीज़ी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आप शिकायत करते हैं। जब लोग खामोश बैठ गए तो आप अपनी जगह खामोश बैठिए ना। आप अपना ऑडियो बनाने का शौक़ है वो पूरा करते रहिए, लेकिन आप दूसरों को टारगेट मत करिए। अगर आपको आपको जो है ना, अगर जो भी कुछ बोलना है, आप अपना पर्सनल अपने लड़ाई झगड़े बच्चों के जैसा निपटाते रहिए। हम लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आपके बेतुकी सवालों के जवाब दे। और दोबारा मेरा नाम लेने का किसी कंट्रोवर्सी में आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आपको जो लोग जो है वो जवाब आपको आपके तरीके से देते ही है। अगर आप गैरतमंद हैं, आप इज्जतदार हैं, तो आप छोटों के मुँह लगते नहीं। आप अगर अपनी बुजुर्गी का ख्याल रखते ना, तो आप उधर ही खामोश हो जाते थे। आपको भी ये कहना बोलते हैं ना, एक खुजली की बीमारी होती है ना, मर्ज हो जाता है ना इंसान को हर थोड़े दिन में, तो वो खुजली की बीमारी है। तो उसकी दवा बता देता हूँ, ब्रोडेक्स वाइफॉर्म, वो दवाई मिलती है, वो लगा लीजिए। हाँ, वो लगा लीजिए और फिर तो वो खुजली की बीमारी ठीक हो जाएगी। और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आएगा, तो फिर आपको इससे भी ज़्यादा तल्ख लहजे में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने वीडियो बना के मेरा नाम लिया। और शाबाश का मैं चमचा हूँ अगर, तो साबित कर दीजिए। चलिए मस्जिद में कुरान उठा के बोलते हैं, वरना आप झूठे हैं या मैं झूठा साबित हो जाएगा, और झूठों पर अल्लाह की लानत और झूठों पर अल्लाह की फिटकार बरसेगी, समझे? और दोबारा ऐसे बेतुकी बकवास करने की जरूरत मत करिएगा, नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर आपके कोई भी हिमायती आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी से नहीं डरते। और रहा सवाल जिनको आप प्रमोट करते हैं ना, उनको सब जानते हैं, उनको भी आपको उनको भी ज़रूरत नहीं है आपके प्रमोशन की या प्रमोट करने की, उनको सबको ही जानते हैं। आप ऐसा प्रमोट करके उनको भी लेट डाउन कर रहे हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो अपने आप को प्रमोट करा रहे हैं, ये उनके लिए उनकी इज्जत के लिए सही नहीं है, बल्कि वो एक्सपोज हो रहे हैं। उल्टा लोग उनको गलत समझ रहे हैं कि भाई ये देखो हर वीडियो में अपने आपका अपना नाम लिखवा रहे हैं, नाम ले रहे हैं। यहाँ पब्लिक है, वो सब जानती है, दुनिया को सब कुछ पता है। आप लोग किसी को बच्चा नहीं समझिए, नादान मत समझिए। यहाँ इतने सारे लोग आते हैं, कभी नुमान को मैंने बोला नुमान मेरा नाम ले, नासिर को प्रमोट कर, अजीम को प्रमोट कर, जुबैर कुरैशी शिनान को प्रमोट कर, ये सब लोग भाई सुबह से आते हैं, मेहनत करते हैं, सब लोग अपनी जगह पे मेहनत करते हैं। और रहा सवाल कुछ लोग बोलते हैं हम ग्रुपिज्म करते हैं, भाई यहाँ आने के बाद सब लोग मिलते हैं, हम लोग प्यार मोहब्बत से, दोस्ती से, प्यार मोहब्बत से साथ में हंसते बोलते हैं, अच्छे से वड़ा पाव जैसी चीज़ें भी खाते हैं, कुछ भी नाश्ता पानी साथ में करते हैं, तो हम किसी से दुश्मनी करने नहीं आए हैं। हीरा एक फैमिली है, यहाँ आने के बाद हम सारी दुश्मनी रंजिशें भूल जाते हैं और आपस में प्यार मोहब्बत से गिले शिकवे मिटाकर मिलते हैं। तो किसी को ये ग्रुपिज्म की ज़रूरत नहीं है। और ग्रुप आपका है, जो आप नाम लेते हैं ना बार बार कि इतने जो 10-12 नाम गिनवाते हैं, 8-10, वो ग्रुप आपका होगा, हमारे लिए वो भी हमारे अपने हैं। हमने उनके साथ भी कभी कुछ गलत नहीं किया। बदतमीज़ी आप लोगों की तरफ से हमेशा शुरू होती है, ये ग्रुपिज्म आप लोग शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये तमाशा चलता रहे, तो अब हमें एतराज़ नहीं है, क्योंकि हमें इससे पहले भी टारगेट किया और उसका जवाब हमने अच्छे से दे दिया। इसके बावजूद अगर आपने फिर कोई बीमारी हमारे पे, खुजली की बीमारी हम पे छोड़ी, वायरस अपना मेरा नाम लिया या कुछ, तो फिर हम इसके बाद आपको और जवाब देंगे। लिहाजा आपसे ये लास्ट है, गुजारिश है, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरा कोई कॉन्ट्रोवर्सी में नाम मत लीजिए। और जुबैर के ताल्लुक से भी एक बात कहूँगा मैं कि लास्ट ये मामला हुआ कि भाई जुबैर ने बोला कि आप अकड़ रहे हैं, या जो भी मामला इस तरह की बातें हुई उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा। एक इंसान ने अगर उसने बोला या गलती की, तो आप उसको पर्सनल फ़ोन करके भी बोल सकते थे, समझा सकते थे, माफ़ी तलाफी करवा सकते थे। जो इंसान अपना होता है ना, वो पर्सनल में आके उसको समझाता है, बोलता है कि देखो भाई तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप अलन ऐलान या किसी को जलील करोगे तो वो आपके लिए दुश्मनी रखेगा, फिर आप दोनों की दुश्मनी चलेगी, फिर उसमें आप सबको घसीटते हो। मैं तो शुरू से बोलता हूँ, यहाँ मेरा कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्त हैं, मैं सबको एक लेके चलना चाहता हूँ। मैं एंटी वालों को भी आपा की तरफ कर रहा हूँ, प्रो की तरफ कर रहा हूँ, और आप लोग जो हैं जो प्रो वाले हैं उनको भी दुश्मन बना रहे हैं, उनको भी एंटी बना रहे हैं। तो ये चीज़ें करना बंद करिए, प्यार मोहब्बत से आप उनसे भी तो बात करके देखिए। और जुबैर भाई के ताल्लुक से मैं आपको बता दूँ, ये शख्स है ना डे वन से सपोर्टर है, इन्होंने इनके आंग के ऊपर केस भी लिए हैं, इनके ऊपर केस भी चल रहा है, और पिछली 2-3 डेट पहले ये आपा की तकलीफ़ देखकर रो भी दिए थे। तो इस तरीके से वीडियो बना के इनकी बेइज्जती करना मैं समझता हूँ कि गलत है, कि जबकि आपका खुद का वीडियो है कि आपने पागल तक के कहा है आपा को, ठीक है, वो मेरे पास में वीडियो मौजूद है, हो सकता है मैं आने वाले दिनों में उसको रिलीज़ करूँ। तो बदनामी अगर आप फैलाओगे ना किसी की भी, तो आपकी भी बदनामी फैलेगी, और इंशाल्लाह आते दिनों में
कंप्लेंट भी होगी आपकी, क्योंकि ये चीज़ कोई कर नहीं सकता, ऐसा किसी की भी बदनामी फैला नहीं सकता है सोशल मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर कंप्लेंट भी होती है। ये कहूँगा कि अगर आप एक दूसरे को टारगेट नहीं करें तो ना हम आपके खिलाफ कोई टारगेट आप लोगों को करेंगे, ना आप हमको करिए, और हमने खुदा की कसम किसी को टारगेट नहीं किया है। और जिनको आप ग्रुपों से निकालोगे, गाली दोगे, पहल करोगे तो गाली गलौज करके, तो फिर वो लोग तो आपको गाली देंगे ही। जब मैं उनसे बात करता हूँ और उनको समझाता हूँ कि भाई ये सब क्या चालू है, तो वो लोग भी यही बोलते हैं कि नासिर भाई ये देखो इन लोगों ने मेरे को गाली दिया, पहले इन्होंने शुरुआत किया और मेरे को ग्रुपों से निकाला। तो भाई जब आप सबूत दे रहे हो और गाली गलौज करके, हीरा एक फैमिली है, आप इसमें दादागिरी करके या दबा के किसी को नहीं चल सकते हो। आप प्यार मोहब्बत से सबको लेके चलोगे तो सभी आपके सपोर्टर्स हैं, तो हम आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? सोचना पड़ेगा कहाँ गलती है। और मैं जो कहूँगा एक और बात कि भाई ये फितनेबाजी जो है, बड़े जो शामिल हो रहे हैं इसमें, ये फितनेबाजी जो है ये सही नहीं है, ये बंद करिए। और ये औरतपना है, ये औरतें चाले है, इसको बंद करो, समझे? और ये इसका मेरे पास एविडेंस भी है, ज़रूरत पड़ी तो डाल दूंगा मैं कि औरत चाले कौन करता है। ठीक है, ठीक है। वो अभी अजीम भाई हमारे साथ में मौजूद है। अजीम भाई, बातों को तोड़ मड़ोड़ के जो पेश किया गया है, जो मैंने कहा था कुछ औरतें फितनेबाजी कर रही हैं, हकीकत में कर रही है, मेरे पास ऑडियो भी है, तो उसको एक यूट्यूबर ने चार औरतें करके और नाम भी ले लिया है और बेइज्जती फैलाई है, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, उस टाइम पे जब आपने ये सवाल किया था तब मैंने ये बात है कि भाई इससे पहले जो मेरे काबिल दोस्त हैं नासिर भाई, वो इस बारे में काफ़ी अच्छे से वजाहत कर चुके हैं, तो मैंने उस पर ज़्यादा कुछ बोला नहीं था। और आपने जो है कुछ औरतें कहा था और इन्होंने जो है उसको बाकायदा प्लॉटिंग करके और प्लानिंग करके कुछ औरतों का नाम लेकर और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में इन्वेस्टरों के बीच में नाइत्तेफाकी पैदा करने की कोशिश की और वरगलाने की कोशिश की और झगड़ा कराने की कोशिश की, तो ये चीज़ जो है काबिले मजम्मत है, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और हम इस चीज़ को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते और इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की सख्त मजम्मत करते हैं। अच्छा, ये जो हम जेल के कंपाउंड में वीडियो बनाते हैं कि इन्वेस्टरों के लिए, हमारा तो इसमें कोई मुफाद नहीं है, इस तरीके से ये लोग प्रिटेंड करके बोल रहे हैं कि इनका मुफाद है, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, आपा का एक मैसेज चले जाता है इन्वेस्टरों को तो राहत मिलती है, जाना भी चाहिए, आपा को बोलना भी चाहिए मीडिया को आके सामने आके कि हाँ इन्वेस्टर जो भी है मेरे हैं ये है। वो पहले बोलती थी, वो अभी हो सकता है कुछ उनको मैंने पता लगाया, कुछ उनको गाड़ी के अंदर जेंट्स के साथ में लाया गया, तो उनकी उसकी वजह से उनका थोड़ा मूड ख़राब था, फिर भी उन्होंने अच्छे से जवाब दिए कि जो भी है कोर्ट में। और फिर बाद में चांद भाई की तरफ देख के उन्होंने बोले सबको सलाम बोलना। इस चीज़ को ये लोग ने ऐसा प्रिटेंड करके बोले कि ये सताते हैं, जाके आपा को परेशान करते हैं और ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, मीडिया मतलब गैर कानूनी काम करी जो वीडियो बना के, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए नुमान भाई, डे वन से जब से आपा को हैदराबाद से ईओडब्ल्यू मुंबई लाई है, तो उस वक्त से मैं आपकी मेहनत को देख रहा हूँ कि आप 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे रात में भी जब आपा एयरपोर्ट से यहाँ बायकला जेल पहुँचे थे, तो सबसे पहला जो रिपोर्टर या न्यूज़ चैनल पहुँचने वाला था बायकला जेल, वो बीपीएन न्यूज़ था, जिसके लिए आपको तहे दिल से मुबारकबाद। तो आपका काम तो कोई फरामोश नहीं कर सकता है, और किसी ने भी आपको नहीं बोला था कि आप वहाँ जाइए, आप अपने जज्बे से गए, और आप ना दिन को दिन देखते हो ना रात को रात देखते हो, तो मतलब कोई ये जो है ना, कोई भी यूट्यूबर घर पर बैठकर ये आपको मीडिया एथिक्स नहीं सिखा सकता है कि भाई कहाँ पर वीडियो बनाना चाहिए या कहाँ नहीं बनाना चाहिए। आप जो भी काम करते हो वहाँ पे जो पुलिस वाले मौजूद होते हैं उनकी परमिशन लेकर, मैंने भी 3-4 बार ये चीज़ नोटिस की है कि आप हो चैन भाई हैं, कभी भी अगर कोई इंटरव्यू ले भी रहे हो तो पहले आप पुलिस वालों से परमिशन लेते हो, उसके बाद ही लेते हो, और आपा की मर्ज़ी होती है तो ही आप इंटरव्यू लेते हो, बिना आपा की मर्ज़ी के कभी आपने इंटरव्यू लिया नहीं। उस दिन जो जिस वक्त का ये हादसा है, उस वक्त मैं वहाँ मौजूद नहीं था जेल में, लेकिन जैसा कि लोगों से मुझे पता चला कि भाई आपा जब यहाँ से कोर्ट से गए हैं सेशन कोर्ट से, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मजमुआ था और बहुत देर तक आपा लोगों से बात करते रहे और लोग वही घिसे पीटे सवाल पूछते रहे कि आपा पैसा कब मिलेगा, आप कब बाहर आओगी, तो उससे थोड़ा सा आपा फ्रस्ट्रेटेड थे या परेशान होंगे, या रास्ते में जो ट्रैवलिंग में देखते हो आप 3-3, 4-4 घंटे आपा को बाहर इंतज़ार करना पड़ता है गाड़ी के लिए, फिर वो गाड़ी आती है वो लेकर वहाँ बायकला जेल पहुँचती है, तो भाई 24 घंटे में आदमी का मूड एक जैसा नहीं रहता है रमन भाई, तो अगर कहीं कोई बात उनको कुछ डिस्टर्ब होगी या कोई और वजह से डिस्टर्बेंस की वजह से उन्होंने अगर ऐसा बोल दिया या बिहेवियर ऐसा कर दिया, और वो जुबैर भाई ने अगर उस चीज़ को महसूस करके एक जैसे बम्बैया लैंग्वेज में प्रोटोकॉल के बिना उन्होंने एक जैसे सामने सब यार दोस्त ही खड़े थे तो ऐसा बोल दिया, तो उसको मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कुछ इशू बनाने की या उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जुबैर भाई ने आज 2 साल से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी बोली आपा के लिए, बहुत सारी। ये लोग क्या कंपनी के ठेकेदार हो गए कि कंपनी के लेबल लेके घूम रहे? ये लोग जिसको चाहे उसको बना देंगे, जैसा वैसा पब्लिक मान लेगी। देखिए नुमान भाई, क्या है कि करीब करीब 1,72,000 CCS की
ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से इन्वेस्टर्स हैं उससे ज़्यादा ही होंगे और उनके फैमिली मेंबर्स मिला के 25 से 30 लाख लोग हैं। तो भाई जो भी है, चाहे वो एक रुपये का इन्वेस्टर हो, एक करोड़ का हो या 100 करोड़ का हो, वो सब बराबर के हैं। आपा के लिए सब बराबर है। आपने कभी किसी को छोटा नहीं समझा, कभी किसी को पराया नहीं समझा, सब उनके हैं। कोई भी ना हम आपा के ठेकेदार हैं, ना जो बनने की कोशिश करते हैं वो आपा के ठेकेदार हैं। आपा का कोई भी स्पोक्स पर्सन नहीं, आपा का कोई भी मीडिया कोऑर्डिनेटर नहीं, आपा की तरफ से कोई भी किसी को आपा ने ऑफिशियल अपॉइंट नहीं किया। मुझे लगता है आपा ने लगता है जेल से इनको फ़ोन करके बोले कि मेरे को सता रहे। नहीं नहीं, देखिए अभी ये क्या और चांद सता रहे। कुछ लोगों को क्या है, कुछ लोगों को भविष्यवाणी करने की आदत होती है या उनको कुछ गैप से कुछ पता चलती है बातें, तो शायद उसमें बोल दिया होगा उन्होंने। तो अब भाई फिर गंडा तावीज लेने के लिए हमको भी जाना पड़ेगा उनके पास। अच्छा शहनान भाई हमारे साथ मौजूद है। शहनान भाई, हाँ, जो जेल के ऊपर जो वीडियो बनाते हैं तो उससे आपा नाराज होती है तो इसके ऊपर क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। नहीं भाई, ये कुछ भी बातें लोग अपने मन से गढ़ कहानी बना के कह देते हैं, इसकी उसकी अपडेट देकर। जैसे आप थे, चांद भाई थे, मैं भी उस टाइम में मौजूद था वहाँ पर, तो आपका वीडियो देख के भी 10-15 मिनट के अंदर वापस लोग बनाना चालू कर देते अपनी अपनी अपडेट देने का। और नुमान भाई, मैं आपके चैनल के तालुक से ये कहना चाहूँगा कि उस वक्त मैं भी वहाँ पर मौजूद था। जुबैर भाई जो हमारे हैं वो आपा के फर्स्ट स्टैंड से साथ में खड़े सपोर्टर्स में थे। सुबह से यहाँ पे आते 9:30 बजे, मीरा रोड से बीटी आना मामूली बात नहीं, तो सुबह 9 बजे 9:30 बजे टच हो जाती है, तो लोग इनको टारगेट करें। अभी वो जो उन्होंने कहा ये तो उस टाइम पे, वो एक बम्बई लैंग्वेज है, आप भी बॉम्बे के, हम भी बॉम्बे के, जुबैर भाई बॉम्बे की लैंग्वेज, हैदराबादी लैंग्वेज कैसी होती है, लॉन्डे को पोटा लड़का, वैसे एक बॉम्बे की लैंग्वेज है, उसमें उसको इतना बात को प्रोपोगंडा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये बात का प्रोपोगंडा बनाया गया। दूसरी बात, नासिर भाई, अजीम भाई, मैं, हम लोग जब ग्राउंड लेवल में मिलते हैं, आप भी हम मिलते हैं कभी, तो हम लोग एक फोटो को शेयर करके ग्रुप में वायरल इसके लिए नहीं करते, कोई हीरोगिरी प्रमोट करने के लिए नहीं करते, लोगों के लिए हम लोग एक उम्मीद है, लोगों को लगता है कि सिनान भाई आ गए, नुमान भाई आ गए, तो हम लोग मिलते ग्राउंड लेवल में मिलते काम करते, तो वही हिसाब से हम एक फोटो और शेयर कर देता है ग्रुप में, तो उसको गाली देकर ग्रुप से रिमूव कर दिया जाता है। ये क्या बात हो गई? अभी कोई गाली देगा तो हम थोड़ी ना सुन के लेंगे, हमारी माँ बहना कोई रास्ते पर तो नहीं बैठी हुई है, जो यूट्यूब पर आगे गाली गलो देते हैं तो समझ के अगर सब डर गए तो क्या इसका मतलब हम थोड़ी डरे? सही कह रहा हूँ नुमान भाई, कुछ गलत बात नहीं कर रहा हूँ। पर्सनली टारगेट करोगे तो पर्सनली आपको गाली का जवाब गाली से मिलेगा, ऐसा नहीं कि हम किसी की सुन के लेंगे। और रासावल जुबैर भाई को टारगेट किया जा रहा है, नुमान भाई को बोला जा रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पे मैं भी वहाँ पे मौजूद था, काफ़ी टाइम यहाँ पे आपा को लग गया था वहाँ जवाब पे पहुँचने के लिए जेल को। और देखिए, मैं स्टार्टिंग से न्यूज़ बना रहा हूँ, मैं न्यूज़ बनाना छोड़ूंगा नहीं, 100 बार 1000 बार मैं आपा का वीडियो बनाऊंगा जेल पे। जिसको मेरी कंप्लेंट करने का है वो कंप्लेंट कर सकता है, मैं मीडिया का आदमी हूँ, मेरे पास कार्ड है बाकायदा, जेल के कंपाउंड में हम लोग मीडिया को आज़ादी है, कहीं भी हम लोग बना सकते हैं, तो कोई हमको डिक्टेट नहीं कर सकता है कि तुम यहाँ नहीं बना सकते। गैर कानूनी काम तुम खुद कर रहे हो, तुम खुद बूम लेकर आते हो, हाई कोर्ट के बाहर आके खड़े रहते हो और वीडियो बनाते हो, बहुत सी चीज़ें तुम गैर कानूनी कर रहे हो, ये हमको मालूम है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं खुद कंप्लेंट करूँगा आपकी। मैंने ये छोड़ के, ये सोच के छोड़ दिया था मैंने तुम्हारे को कि जान दो नादान है, बच्चा है क्या, लेकिन अभी है ना तुम बाप बनने की कोशिश कर रहे हो नुमान कुरैशी की, तो नुमान कुरैशी का बाप एक ही है जो उसका असली बाप है, और मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। आने वाले दिनों में तुमको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और है ना, वीडियो बनाना तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, आपा ने तो अभी तक के हमको बोले नहीं कि मैं नाराज़ हो रही हूँ, या आपा की फैमिली से कोई जवाब नहीं आया, या एडवोकेट्स जो लोग मिलते हैं रोज़ जाके, उन लोग की तरफ से कोई नहीं आया कि तुम ये बनाना बंद कर दो, या और कोई हमको मना भी करेगा ना तो भी हम लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारा काम है इन्वेस्टरों को ये, आप इसको एक ये समझिए कि एक शहादत है, एक शहादत है जो हमको, हमने ली और पहुंचाई। जैसे चांद की शहादत होती है, आजकल न्यूज़ों में भी डिक्लेयर करते हैं कि चांद दिख गया, फला फला कमेटी से आया, जुमा मस्जिद ट्रस्ट से आया, वैसा ये एक शहादत दी जाती है। हम लोग शहादत लेने जाते हैं आपा की, क्या आपा इन्वेस्टरों का कुछ मैसेज है, हम लोग अपने लिए नहीं जाते, हम लोग पैसा मांगने नहीं जाते 15 लाख रुपये, तो समझे आप, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये सब है ना सोचना नहीं कभी भी कि हम लोग पीछे हटने वाले लोग हैं, हम लोग मोमिन लोग हैं, हमारे जो मोमिन भाई बहन फंसे हुए उन लोग के लिए आए हैं। और कुरान में लिखा हुआ है कि कोई अगर आप तक के कोई चीज़ पहुंचाता है तो उसकी तहकीद करो, तो आप लोग है ना तहकीद नहीं करते हो इसके लिए। फिर आगे लिखा हुआ है सूरह हुजरात में कि आप मोमिन हो, मोमिन आपका भाई है, इसके लिए मैं वापस आया हूँ कि आपको बराबर न्यूज़ मिले, क्योंकि आपको गलत न्यूज़ दी गई है। 9 मार्च के दिन पूरी न्यूज़ जो है वो गलत दी गई है चेचन कोर्ट की। रोज़नामा मैंने डिस्प्ले किया था, वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर पूरी चीज़ पढ़ सकते हैं। रोज़नामे के अंदर पूरी की पूरी अपडेट जो है वो गलत है, समझ गए आप। इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, आगे जो है आप लोग डिसाइड कीजिए कौन सही है कौन गलत है, हमारा मोमिन भाई सही है या गैर जो है वो सही है।
और आगे की भी जानकारी आपको देते रहेंगे। बने रहिए बीपीएन न्यूज़ का, नुमान कुरैशी, मुंबई।